राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उत्तराखंड समेत 5 हाईकोर्ट्स में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन सांगी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को विपिन सांघी के रूप में मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जाहिर तौर पर माने कि जो लंबित पड़े हुए मामले हैं उसमें तेजी आएगी, उसके निस्तारण में तेजी आएगी। और हेमंत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे विपिन सांघी के रूप में उत्तराखंड को लंबे समय के बाद मुख्य न्यायाधीश मिला है, अब माने जो लंबित पड़े हुए मामले हैं उसके निस्तारण में बहुत तेजी आएगी। हेमंत, यदि आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश के मिलने के बाद जो लंबित पड़े हुए तमाम मुकदमे हैं, मामले हैं, उसके निस्तारण में तेजी आएगी। जी, जिस तरह से नैनीताल हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश की चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पहली बार न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 19 जून को विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से नियुक्ति का जो गजट नोटिफिकेशन है वो पास किया गया था। क्योंकि जिस तरह से नैनीताल हाई कोर्ट में जो भी लंबित मुकदमे हैं वो कई समय से उन पर सुनवाई तो हो रही है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, जिसको लेके केंद्र सरकार द्वारा ये पहल की गई है, जिसके बाद जो है जितने भी जो लंबित मुकदमे हैं या जो न्याय के लिए जो लोग यहाँ पर गुहार लगाते हैं उनको तुरंत न्याय मिले, इस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर नियुक्ति की है। जी जी जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।